नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल RD क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नया वीडियो जो कि रहेगा हमारा रीजनिंग टॉपिक पर। और रीजनिंग में भी हम आपको देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसकी काउंटिंग याद करने में, उसके बाद उसका विपरीत निकालने में भी दिक्कत हो जाती है और विपरीत से उसका नंबर निकालने में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को लेकर आए हैं, इसको सॉल्व करना है आपको बस सेकंडों में। बस आपको एक वीडियो देखना है, इस वीडियो में आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को स्किप ना करना है, लगातार आप देखते चले जाइए। आपका इतना छोटा सा वीडियो आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, बस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का जो कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए अपलोड होने का, तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड आता है, सबने सुना होगा इजोटी। इस इजोटी को देख लेते हैं एक बार, ये होता क्या है। ये इजोटी वर्ड ये है कि हर एक नंबर को 5 के अंतर से नंबरिंग देके लिखा गया है। मींस अगर इसके आसपास के नंबर की काउंटिंग पूछी जाएगी तो आप इजीली बता देंगे। ठीक है, वैसे तो हम प्रत्येक की याद करने वाले हैं, लेकिन और जल्दी अगर आप करना चाहते क्वेश्चन तो इसको भी देख लेते हैं। सिर्फ 5 के अंतर से होता है। इसमें 3 वर्ड तो हम याद कर लेंगे, 4 वर्ड भी याद कर लेंगे, एक वर्ड ऐसा है जिसको हम नहीं याद करेंगे उसमें अपनी में, इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इजोटी में ई आया तो ई 5 पे हो जाएगा, 5 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 20 आएगा और 20 के बाद 25 आएगा 5 के अंतर से। तो ई का मान 5, जे का मान 10, ओ का मान 15, टी का मान 20 और वाई का मान 25। मीन्स हमें ये याद करना है बस, ई का मान 5 से लेकर इजोटी में जे आ गया 10, ओ आ गया तो 15, टी आ गया तो 20 और वाई आ गया तो 25। ये याद हो गया इजोटी। बस अब आपको ये देखना है कि बाकी के नंबर कैसे याद करने हैं। इजी वे, बहुत ही आसान तरीके से सबकी काउंटिंग याद करा देंगे। ठीक है, और शुरुआत के ए की काउंटिंग एक होती है, सारे जानते हैं। बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, इतना तो सारे के सारे कर लेते हैं याद, इसलिए इन पर कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, कोई लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं उसके आगे। जैसे ही हम ई पर पहुंचे और ई की काउंटिंग हमें याद करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा ई में कितने टुकड़े हुए हैं, कितने मोड़ लगाने के बाद ये कितने टुकड़ों से बना है। तो देखो, एक मोड़ ये लगा हुआ है, दूसरा मोड़ ये लगा है और तीसरा मोड़ ये लगा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 टुकड़े जोड़े गए हैं ई बनाने के लिए। कैसे, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा और 5 टुकड़ा, मतलब 5 टुकड़ों का प्रयोग करके हमने ई को बनाया। तो ई की काउंटिंग कितनी हो जाएगी फिर, 5। इसकी ऐसे ही हमारा एफ, एफ को क्या करना है, जस्ट इसको मिला दो, जैसे ऐसा एफ बनता है और इसको मिला दो और इसको क्या कर दो, पलट दो, उल्टा कर दो, तो ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे बन गया तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब जी, जी 90% लोग ऐसे बनाते हैं, क्या किया, यूं बन गया। इसका मतलब क्या किया हमने, पहले 7 बनाया उसके बाद ही तो जी बना, तो इसका मतलब 7 नंबर जैसे ही आएगा तो हम समझ जाएंगे 7 से हम बनाते क्या हैं, जी। तो जी को बोलेगा तो हम 7 समझ जाएंगे और 7 को बोलेगा तो हम समझ जाएंगे जी, तो 7 नंबर जी को मिल जाएगा। इसी तरह से हमारा एच आ गया, एच कैसे बनता है, यूं इसको ऊपर मिला दो, इसको भी नीचे मिला दो, ये कितना बन जाएगा फिर, 8। तो एच का हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एच आ जाएगा 8। आई, आई में हम क्या करेंगे, आई को देख रहे हैं कैसे बना हुआ है, आई इस तरीके से बनाया है। अब इस तरीके को ये आई को गोल कर दो ना यहाँ से, तो कितना बन गया, 9। तो आई हमारा कितना हो जाएगा, 9। जे, जे कैसे लिखा हुआ है, जे में हम लिखते हैं जे और ऊपर लगा देते हैं 0। अब ये 0 को नीचे गिरा दो, यानी कि यहाँ लगा दो। अब यहाँ लगा के कौन सा अंक बनता है ऐसे, क्योंकि जे में क्या है, लाइन और एक 0, तो जे का मान कितना हो जाएगा, 10। वैसे इजोटी से भी याद कर सकते थे, लेकिन हमें जे डायरेक्ट याद करना है तो हम डायरेक्ट भी याद कर लेंगे। ठीक है, अब जे के बाद आता है के, के बनाता कैसे है कोई, अगर के न्यू बनाते हैं, इस लाइन को सीधा न करके टेढ़ा कर देते हैं, इस लाइन को क्या करता है, सीधा न ले जाके इसको खींचा और ऐसे कर दी, मतलब ये यहाँ से खिंच गई और ऐसे हो गई, एक रबड़ है सीधी थी उसको यहाँ से खींचेंगे तो क्या बन जाएगी, वो न्यू बन जाएगी।
मीन्स हमने कुछ नहीं किया, वो खींच ली थी, अब खींचो मत, बस क्या कर दो, सीधा कर दो, ये था और रबड़ ऐसे आ गई तो कितना जाएगा 11, मीन्स ये जो था ये बिल्कुल टेढ़ा ना करके हम क्या कर दें के में सीधा कर दें तो बन जाएगा 11, ठीक है। के बाद क्या आ जाता है एल। अब देखो 10 से ऊपर काउंटिंग जैसे चलेगी हम समझ जाएंगे ये 10 से पहले के वर्ण है, ये 10 के बाद के वर्ण है, तो 10 के बाद के वर्ण है तो बस उनके बाद के अंक क्या है, जैसे 11 में एक आना था, 12 में दो आने थे, 13 में तीन आने हैं बाद में, तो ये 1, 2, 3 का पता चल जाए तो डायरेक्ट हम पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर का वर्ण है, ठीक है। तो हमने क्या देखा एल, एल कितनी लाइनों से मिलकर बना है, एक और एक दो, अब 10 के बाद आया है इसका मतलब इसका नंबर कितना हो जाएगा 12। एम, M 10 के बाद का है तो ये कितना बना रहा था 3, M को घुमा दिया हमने 90 डिग्री, जब हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 बन गया, घड़ी की दिशा में घुमाओ 90 तो ये क्या बन जाएगा 3, और 3 तो M होता ही नहीं हम जानते हैं, तो M किस पे चले जाएगा फिर 13 पर चले जाएगा, ठीक है। ऐसे ही N, N रोमन में है, N रोमन में है, अगर हम रोमन में 4 लिखे तो कैसे लेके जाते हैं यूं, अब इसको हटा के क्या करो यहां मिला दो, अब क्या बन गया ये N, तो इसका मतलब 4 का मतलब अब 4 नहीं होगा n, n कितना होगा 14 होगा, ठीक है। तो n का मान ऐसे याद करेंगे 14, o का मान हमने योटी से याद किया था, बताया था o का मान कितना होता है 15, o 15 तो o का याद कर लेंगे योटी से हम बस 15। p फिर से आ गया कैसा, इसको पलट दो, ऊपर को कर दो इसको और इसको कर दो नीचे, ऐसे बना दो p, ये कितना बनेगा 6, तो p 6 तो होता ही नहीं, 6 तो हम पढ़ चुके हैं f का होता है, इसका मतलब p 10 ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही क्यू, क्यू में भी क्या करते हैं हम ऐसे करके बनाते हैं ऐसे, है ना। अब देखो इसमें भी क्या बन रही है 7 बन रहे, इसका मतलब 7 तो जी बन रहा था, अब ये 7 नहीं 10 ज़्यादा जुड़ जाएगा इसमें भी, तो क्या हो जाएगा ये 17 हो जाएगा, किसका क्यू का, पी का 16 क्यू का 17। अब आ जाता है आर, आर बन रहा था हमारा ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, ये इसको मिला दिया तो ये क्या कितने बन गए फिर अब 8, जब 8 बन गए क्यों, क्योंकि R ऐसे ही तो बनाते हैं R को यूं, अब इसको मिला दो यहाँ पे 8 बन गए, और 8 तो हो ही नहीं सकता मान इसका, क्योंकि 8 हम H बना चुके थे ऊपर और नीचे मिला के, इसका मतलब ये 10 ज़्यादा चले जाएगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा फिर 18 पे, तो हमारा H सॉरी तो हमारा R कितना हो जाएगा 18। S देखो ये S बन रहा है, इसमें कुछ नहीं करना हमें, यूँ लाइन खींच देनी है, अब ये कितना बन गया 9, अब ये भी कहाँ 9 कब का आएगा, ये 9 हम I को दे चुके थे क्योंकि I डायरेक्ट 9 बन रहा था, अब यहाँ भी 9 बन रहा है, यानी 9 से ज़्यादा बाद बाद में आता है S 10 के बाद, तो इसका मतलब ये 10 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। 20 तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं, आप जानते हैं T20 मैच होते हैं, T20 बहुत बार देखा सुना होगा, T20 बस T का हो गया 20 मतलब 20, तो T का तो 20 याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब बताते हैं यू, यू का मतलब हमने पहले यू बनाएंगे तो ऐसे करते हैं, दो खींचते हैं फिर एक लाइन खींच देते हैं तब बनता है यू, तो दो पहले खींची फिर एक लाइन खींची तो कितनी हो गई 3, तो 2 और 1 3 मतलब 2 और 1 21, तो यू का मान हो जाएगा 21। अब यू मतलब हम लास्ट की तरफ चले गए तो 20 के आसपास पहुंच गए। अब वी में हमने क्या देखा, वी में देखा हमने 2 लाइन है 1 और 1 2, तो 2 लाइन है तो 2 बढ़ा देंगे 20 से 2 कितना हो जाएगा फिर वी का 22, ठीक है। W, W का मतलब होता है इसको फिर से क्या करो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो, पहले क्लॉकवाइज घुमाया था किसको M को, अब W को क्या करो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो, तो इस तरह से घूमेगा तो ऐसे बन जाएगा, और अब ये 20 के बाद की बात चल रही है तो 2 आगे लग जाएगा 20 और 3 कितना हो जाएगा फिर 23, तो ये हमारा W का कितना आ जाएगा 23। ऐसे हमारा X हम जानते हैं 20 के बाद चल रहा है, बस हमें ये चाहिए कि 20 के बाद कितना बाद है, तो 1, 2, 3, 4 कहीं भी गुणा लगा दो, यही तो X होता है, इसमें कितने पॉइंट लाइन हो गई 1, 2, 3, 4 चार लाइन हो गई, इसका मतलब 20 के बाद है तो कितना हो जाएगा 24। बाई का तो वैसे जानते ही हैं, बाई 25 और जेड 26 होता है, एजोटी में भी बाई आया था 25 पे, तो इस तरीके से हो जाएगा 25 और 26 का, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हम सबका नंबरिंग याद कर सकते हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं याद हुआ कि नहीं हुआ, तो आप माइंड में इमेजिन करेंगे हम बोलेंगे, ठीक है। बाएं से सातवें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, अब सात जैसे ही आया तो हम समझ गए सात से कौन सा अक्षर बनाया था हमने जी, जैसे ही सात आया वैसे ही हम समझ गए दो अक्षर बनाए थे, एक क्यू बनाया था वो 17 पे बनाया था क्योंकि 10 के बाद की बात थी वो, लेकिन ये 10 से पहले की बात है क्योंकि वो सातवें नंबर पे पूछ रहा है, तो सातवें नंबर पे तो क्या बनेगा फिर शुरुआत वाला बनेगा यानी जी बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि सातवें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है।
अब अगले में पूछ रहा है बाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो 13 बनाया 10 के बाद की बात है, 10 के बाद में हमने 3 बनाया था, 3 किसको क्लॉकवाइज घुमाया था, किसको एम को, ठीक है, एम को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते थे तभी तो 3 बना था 13, तो इसका मतलब जो एम का मान है वो कितना हो जाएगा 13, तो 13 नंबर में स्थान पर कौन आ जाएगा एम, ठीक है। ऐसे उसने कहा एन का स्थान वाय से कौन सा है, अब एन पता करना है, और एन 10 तक तो आएगा ही नहीं, हम जानते हैं कि बीच में आता है एन, 10 के बाद आएगा, तो एन में बन क्या रहा था 4, ऐसे लिखते थे ना एन को, 4 बन रहा था और 10 के बाद 4 आ जाता है तो कितना हो जाएगा 14, तो 14वें स्थान पर क्या आ जाएगा एन बाएं से, ठीक है। अब आ जाएगा आई का स्थान बाएं से कौन सा है, आई, आई का तो डायरेक्ट हमने क्या बताया था आई बनाओ, तो आई कैसी लग रही है 9 की जैसी लग रही है, तो इसका मतलब आई का वाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा 9 वाएं स्थान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी आपने देखा ये बाएं से, ठीक है। अब इसका टाइप 2, ये हमारा क्या था टाइप 1, ठीक है, ये टाइप हमारा फर्स्ट था। अब बात कर लेते हैं टाइप सेकंड में क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं टाइप सेकंड। टाइप 2 लेकर आए हैं, टाइप 1 आप देख चुके थे, हमने फर्स्ट टाइप देख लिया है, अब सेकंड टाइप में ये देखते हैं कि इसमें दूसरा टाइप जो है उसमें क्या करेगा, वो दाएं से पूछेगा, अभी हमने याद किए हुए थे सारे बाएं से, ठीक है, बाएं से पोजीशन प्रत्येक अक्षर की याद कर चुके थे। ध्यान रखना हम अंग्रेजी वर्ड वाला की ही बात करते हैं, अगर अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग भी नहीं हुआ है फिर भी हम समझ लेंगे अंग्रेजी वर्ड वाला चल रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 2 में हम क्या देखेंगे अब कि जो वो बाएं से हमने याद किए हुए हैं लेकिन वो पूछेगा दाएं से, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 27 से सब्ट्रैक्ट कर दो उसकी बाएं से पोजीशन या दाएं से, तो जो दे रखी होती है उसकी विपरीत निकल आती है, अगर दाएं से दे रखी है तो बाएं से निकल आएगी 27 से घटाने पर, और बाएं से दे रखी है तो दाएं से निकल आएगी। ऐसा करते क्यों है, रीजन क्या है कि हम इसका प्रयोग करते हैं 27 से घटाने में, ठीक है। तो आज देख लेते हैं, देखो सबसे पहली बात ये हो गई कि हमने ए से जेड तक अक्षर लिए, क्या होगा ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई और जेड, ठीक है, सबकी पोजीशन हम याद कर चुके थे, 1 2 3 ये कितना हो जाएगा एक्स 4 हो गया तो 24, वाई का 25 याद किया था, जेड का 26। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये बर्ड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ए जेड का विपरीत होगा, जेड ए का विपरीत होगा। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की पोजीशन की, इसका 26वां पोजीशन है और इसका एक पहला पोजीशन है, तो टोटल कितने हो गए पोजीशन का योग 27, तो इनकी पोजीशन जो स्थान है उनका योग 27 हो गया। दूसरा बी का 2 है और वाई का 25 है, बी और वाई एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब 25 और 2 भी कितना हो जाएगा योग 27, तो इसका योग भी 27 हो गया। इसी तरह से 3 और 24 इनका योग भी क्या हो गया 27, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का जो योग है वो 27 है लेफ्ट से राइट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दो लोग हैं, अब पोजीशन के स्थान पर ले लो दो आदमी, कोई दो हैं जो मान लो राम और श्याम दो हैं, एक आगे बैठा है दूसरा पीछे बैठा है, ठीक है, राम आगे बैठा है तो श्याम पीछे बैठा है। अब बात कर लेते हैं पहले, अगर इनके पास टोटल अमाउंट बता दिया कि ये दोनों के पास 30 रुपये हैं, दोनों के पास 30 रुपये हैं, अब कह रहे हैं कि राम के पास तो 20 रुपये हैं तो श्याम के पास कितने होंगे, तो क्या करते हैं टोटल में से घटा देखें उसके पास के रुपए, जो राम के पास 20 रुपये हैं वो घटा देंगे 30 से, तो किसके आ जाएंगे श्याम के रुपए। इसका मतलब इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग भी वहीं होगा जो हम उनकी पोजीशन से घटा के करते हैं। अब उनकी दोनों की पोजीशन का योग तो 27 है, यानी कि उनके जो टोटल रुपए थे वो क्या थे 27, इसको राम मान लो, ए को जेड को श्याम मान लो। अब इनके पास क्या है, इसके पास 26 है तो इसके पास ए से टोटल कितने हैं 27। अब बात कर लेते हैं एक से दूसरा क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक का मान दे रखा है तभी तो दूसरा निकालेंगे, एक का बाएं से या दूसरे का दाएं से हो जाएगा, और एक का दाएं से तो दूसरे का बाएं से हो जाएगा, इसीलिए अगर हम ए और जेड की बात करेंगे तो ए और जेड के पास टोटल कितना है 27 है। अगर एक ए की वैल्यू उसने 7 दे दी तो बी की जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 20, लेकिन ए की वैल्यू होती कितनी है 1, इसलिए जेड की कितनी हो जाएगी 26। समझ गए, दोनों का एक दूसरे से घटाने पर निकल आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं 27 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे उसने कहा कि पी का स्थान, जो पी है उसका स्थान दाएं से ज्ञात करें,
अब पी का पहले बाएं से हमें याद होना चाहिए, तो हमने पी का कैसे याद किया था, पी जो बन रहा है कैसे बन रहा है, इसको उल्टा कर दिया था हमने, क्या किया था ऐसे। अब ये 6 बन गया और इसके पी 10 के बाद आता था 16 हो गया, 16 तो उसका बाएं से है स्थान, अब वो दाएं से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है इसका मतलब इसको पोजिशन 27 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 27 कर देंगे माइनस, तो 27 माइनस 16, क्यों, क्योंकि ये दोनों पोजीशन का योग 27 होगा इसका, तो 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 27 से 16 जाएगा तो 1 और 1 11, तो इसका 11वां स्थान हो जाएगा दाएं से। अगर बाएं से स्थान दिया है तो दाएं से निकल आएगा, दाएं से दिया है तो बाएं से, क्योंकि एक ही अक्षर है, दो तरफ से आ गया, ठीक है। इसी तरह से डी का स्थान दाएं से ज्ञात करना है, अब डी का बाएं से हमें पता है कौन सा है, फोर्थ, अब बाएं से फोर्थ है, दाएं से निकालना है तो 27 से कम कर देंगे कितना 4, तो कितना आ जाएगा 23। ऐसे ही टी का स्थान दाएं से कौन सा होगा, पहले हमें टी का स्थान बाएं से पता होना चाहिए, तो T20 याद किया था, तो T20 यानी टी का स्थान 20वां था, T20 से याद आया 20वां था, लेकिन ये दाएं से था, अब पूछ रहा है बाएं से, तो बाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 20 कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा 7वां, 7th स्थान आ जाएगा दाएं से, ठीक है। दूसरा तरीका कैसे आता है, दूसरा एक और पूछता है कि दाएं से दे देगा बाएं से पूछेगा, अब जैसे उसने कहा दाएं से अक्षर 17वें स्थान का अक्षर होगा, अब वो दाएं से 17वां स्थान का स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा ये पूछना चाह रहा है, अब हमें दाएं से नहीं पता लेकिन बाएं से पता होना चाहिए, ठीक है। तो दाएं से 17वें स्थान का अक्षर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ये देखेंगे बाएं से कौन सा होगा वो, तो 27 से जैसे हम 70 घटाएंगे, 27 से 17 घटाएंगे तो ये अब अक्षर जो पूछ रहा था उसका स्थान बाएं से आ जाएगा, तो बाएं से कौन सा हो जाएगा ये 10वां। अब या तो ये कह दो कि दाएं से 17वां बताओ, या कह दो कि बाएं से, जब हम बाएं से निकालेंगे तो क्या करेंगे, दाएं पोजीशन घटा देंगे 27वें से, तो 27वें से दाएं पोजीशन 17 घटा दिया तो 10वां बच गया, तो 10वां स्थान हो जाएगा किसका, जे का। तो वो पूछ रहा था कि दाएं से 17वें स्थान पर कौन होगा, जे, क्यों, क्योंकि वो बाएं से कौन से पर है, 10वें स्थान पर, ठीक है। तो बाएं से 10वें स्थान पर है इसलिए दाएं से 17वें स्थान पर आएगा, दोनों का योग कितना होगा फिर 27, तो दोनों का योग भी कितना हो गया 27। तो ऐसे ही आ गया अगला, दाएं से 12वें स्थान का अक्षर होगा, अब दाएं से 12वां पूछ रहा है, हमने याद किए हुए हैं बाएं से, कोई बात नहीं हम बाएं से ही निकाल लेंगे ना इसका मान, तो अगर बाएं से निकालते हैं तो इसका मतलब इसका 27 में से दायां पोजीशन घटा दें, 27 के बाद दायां पोजीशन 12 दे रखा है वो घटा दिया तो बच गया 15, और 15 हमारा होता है किसका, ओ का, तो ये ओ होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दाएं से 12वें स्थान का, अच्छा ठीक है। इसी तरह से आता है, थोड़ा टाइप और बदल देते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन अगला, किसी संख्या का अक्षर, यदि किसी अक्षर का स्थान दाएं से 7वां है, किसी अक्षर का स्थान क्या है दाएं से 7वां है, तो बाएं से क्या होगा, दाएं से तो 7वां आ गया तो बाएं से क्या होगा, तो बस उल्टा हो गया ना, पोजीशन ही तो घटानी है, तो ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस 7, तो हो जाएगा कौन सा 20वां, क्योंकि एक तरफ की पोजीशन 27 से घटा दो तो दूसरी तरफ की निकल आती है, उसने दाएं की दी तो बाएं की निकल आई, बाएं की दी है तो दाएं की, यहां पर दाएं से 7वां था तो बाएं से 20वां होगा, क्योंकि टोटल क्या होगी उसकी योग 27 होगा। ऐसे ही किसी अक्षर का स्थान बाएं से दे रखा है अब 13वां, ठीक है, तो बाएं से तो 13वां है, अब दाएं से पूछा है तो दाएं से निकालेंगे तो 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 14, ठीक है। अगर इसको नहीं दिख रहा होगा ऊपर तो ऊपर देख लेते हैं, नीचे नहीं दिख रहा, तो इसका मान हो जाएगा क्या, 27 में से कितना घटा देंगे हम 13, तो कितना बच जाएगा 14, तो ये जो हमारा दाएं से पूछा हुआ था बाएं से दिया हुआ था तो वो आ जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो हमने दो टाइप कंप्लीट कर लिए, आइए अब ले चलते हैं आपको तीसरे टाइप की तरफ, लेट्स गो, आ जाइए अब अपना तीसरा पार्ट देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। कई टाइप के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से बनते हैं, हम दो टाइप के सॉल्व कर चुके हैं, अपना तीसरा टाइप हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते हैं इस टाइप में होता क्या है। देखिए इसमें क्या होगा कि कोई वर्ड दिया होगा और उसके आगे कोई नंबरिंग लिखी होगी कि उसका ये नंबर बनता है, तो दूसरे वर्डों का क्या बनेगा, तो वो उसकी नंबरिंग से ही कुछ वर्ड बनते हैं, संख्या में आते हैं, तो वर्डों को कुछ कोडिंग दी जाती है जो हमने याद की हुई है, उन्हीं से वो कुछ करके जोड़ के घटा के गुणा करके बनाता है, ठीक है। तो आज देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाएगा वो। उसने कहा कि कैन को 18 लिखते हैं, ठीक है, और बैट को 23 लिखते हैं, तो कैट को क्या लिखेंगे,
मतलब कैट को क्या लिखा जाएगा, जिस रूप में हमने कैन को 18 और बैट को 23 लिखा है। तो हम पहले इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। सी का कितना होता है, जैसे इस कैन को लिखेंगे हम तो सी का 3 होगा, ए का 1 होगा और एन का कितना हो जाएगा 14। तो एन हमने देखा था क्या होता है, 4 की तरह बनता था 14 हो जाता है, ए डायरेक्ट था तो सी 3 का था, 14 और 3 17 और 1 18, मतलब इनका इसने क्या किया, योग कर दिया। ऐसे ही उसने बैट पे भी क्या ऐसा ही किया है, बी ए टी, बी को 2, ए को 1, टी 20 मतलब 20, कितना हो गया 23। मतलब हमें समझ में आ गया उन्होंने दोनों में क्या किया था, योग किया था उनकी पोजीशंस का। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, कैट, हमें कैट की पोजीशन का योग पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैट में लिखते हैं सी ए टी, तो सी का हमारा 3, ए का 1 और टी का 20, तो 20 और 3 23 और 1 24, तो कैट की पोजीशन आ जाएगी कितनी 24, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 24। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा उसने नेम एन ए एम ई को लिखा 33 और टीम टी ई एम को लिखा 39 39, तो पूछ रहा है कि प्लेयर को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम इनके नंबरिंग फिर से ले लेते हैं, एन को देते हैं 14, एन के बाद ए को दिया 1, एम को दिया 13 क्योंकि एम को उल्टा पल्टे बनाते थे और ई में 5 वो आती थी इसलिए इसको दे दिया 5, ऐड किया तो हमारा 14 और 1 15, 5 20 और 10 30 और 3 33, तो हमने 33 योग निकाल लिया और जो कि दिया हुआ था। दूसरा टीम, टी का होता है 20 20, ई का होगा 5, ए का होगा 1, एम का होगा फिर से 13, 20 और 5 25 और 1 26, 26 और 10 36 और 3 39, इनका भी योग कितना हो गया 39 का, मतलब इसमें भी उसने क्या किया है, योग किया है। तो हमें अब प्लेयर का योग निकालना है, तो हमें कोडिंग आनी चाहिए इसके लिए, उसका नंबरिंग पोजीशन याद होनी चाहिए। तो पी का हो जाएगा हमारा, उल्टा किया था हमने 16, पी को उल्टा कर लो 16 हो जाएगा, एल दो संख्याओं के बनाया इसका मतलब 12, ए का मान 1 ही होगा और ए के मान के 1 के बाद की हमारा बाई आ जाता है, बाई को 25 लिखा था, ई को फिर आ गया 5 से बना था, आर आर कैसे बनाया था, ऊपर नीचे जोड़ के 8 8, तो हो नहीं सकता, एच होता है इसलिए कितना हो जाता है ये 10 के बाद आता तो 18। अब इनको जोड़ना था बस 16 और 12, 16 और 10 26 और 2 28 और 1 29 29, अब मान लेते हैं 29 में 20 जोड़ेंगे, 29 और 20 या 30 और 20 50 कर लो, और 4 54 54 और 5 59, 59 से 1 ले लो 60 70 77, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 77, बस योग करना था। ठीक है, अगला ऐसे उसने एक कोडिंग नहीं देके कुछ नया दे दिया, लेकिन आता ऐसे ही क्वेश्चन कि यदि 1 2 3 को उसने 36 लिखा, 1 4 3 को 64 लिख दिया, तो बताओ कि 420 को क्या लिखेंगे। तो देखो जब कभी भी ऐसी संख्याएं मिले ना वर्ग में, तो उसका क्या करो, वर्गमूल निकाल लो, कितना होता है इसका 6 और इसका कितना होता है 8। अब इन संख्याओं के साथ ऐसा ऑपरेशन करो कि 6 आ जाए और इनके साथ करो कि 8 आ जाए, तो हमने इनको क्या किया 3 और 2 5 और 1 6 जोड़ दिया, जोड़ के क्या कितना आ रहा है 6, यहाँ पे जोड़ के कितना आ रहा है 4 और 3 7 और 1 8, इसका मतलब इनका जोड़ने के बाद उसने क्या किया वर्ग। तो इसी को हम फिर से करेंगे, 4 को और 2 को 6 जुड़ गया प्लस 0 तो बराबर आ गया 6, क्योंकि 420 में 4 और 2 और 0 का यूज होगा, तो 4 को 2 में जोड़ेंगे 6 और 6 में 0 फिर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और उसका क्या किया गया बाद में वर्ग, क्योंकि तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 36। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था उसके बाद में वर्ग, तो हमने वो संख्याओं का योग करके वर्ग निकाला तो कितना आ गया 36। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आता है, यदि उसने लिखा एस डब्ल्यू पी एम को क्या लिखा है टी एक्स क्यू एन, तो उसने कहा कि बी डी सी जे को क्या लिखा जाएगा, मतलब जिस रूप में ये लिखा गया है उसी तरीके से इसको लिखा जाए तो इसका मान क्या होगा, क्या लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, जैसा रिलेशन इनके साथ दूसरे के साथ बैठा हुआ है वैसा ही देखना पड़ता है और वही दूसरे में लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा एस, एस के बाद क्या आता है टी, अगला वर्ड लिख दिया, फिर W, W के बाद क्या आता है X, इसमें भी अगला वर्ड लिख दिया, P, P के बाद क्या आता है Q, अगला वर्ड लिखा है, M के बाद क्या आता है N, मींस इसने क्या किया है जो वर्ड लिखा था उसका अगला वर्ड लिखते लिखते बना दिया। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे इसका अगला वर्ड लिखेंगे, B के बाद क्या आएगा C, D के बाद क्या आएगा E, C के बाद क्या आएगा D, J के बाद क्या आएगा K, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा C E D K, समझ गए, जैसा उसने ऊपर ऑपरेशन में किया है वैसा ही करेंगे, मतलब उसने अगली संख्या लिखी थी तो अगली लिखेंगे, पिछली लिखी है तो पिछली लिखेंगे, विपरीत लिखी है तो विपरीत लिखेंगे, हर तरीके से क्वेश्चन बना देगा वो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसी तरह से। ठीक है, अगला हमने देखा क्या ए ई आई ओ यू को उसने लिखा है बी जी एल एस जेड,
मतलब अब ए आई यू हमारे माइंड में आया तो हम समझ गए कि ये क्या है, स्वर है, और उसको ने कुछ नया किया होगा। बिल्कुल नहीं, पहले सबसे पहले वही देखते हैं जो नियम होता है कि इसने ऐसा तो नहीं कहीं कुछ बनाया हो। तो हमने क्या देखा, ए के बाद अगला बी लिख दिया, मतलब अगला अक्षर, फिर ई, ई के बाद क्या लिखा, जी, तो उसने क्या किया, ई के बाद एफ एक छोड़ के लिखा, अगला देखा तो आई, आई के बाद एल, मतलब आई के बाद जे के दो छोड़ दिए, मतलब वो एक क्रम बना रहा है, पहले लगातार, फिर एक छोड़ा, बीच में दो छोड़े, फिर तीन छोड़े, फिर चार छोड़ गए। अगला हमने देखा यू, लास्ट को अगर देख लें तो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब इसके बीच में चार हो गए, इसके और इसके बीच में कितने, चार, इसके इसके बीच में कितने हैं, तीन, इसके इसके बीच में दो और उसमें एक, मतलब पहले एक लगातार आया, फिर एक गैप किया, फिर दो के गैप किया, फिर तीन का गैप किया, फिर चार का। बस इसी तरह से हम अगला देखेंगे, क्या पी के बाद क्या आना चाहिए, फिर अगला दिया था ना, पी के बाद अगला आ जाएगा क्यू, ठीक है। अब क्यू, क्यू के बाद ए के बाद क्या था, एफ छोड़ा था, तो क्यू के बाद आर छोड़ देंगे, क्यू के बाद आर छोड़ देंगे, क्या ले लेंगे, एस, ठीक है। अब तीसरा वर्ड, तीसरे वर्ड में क्या है, आई के बाद क्या था, जे के दो छोड़ दिए तब आया एल, तो दो छोड़ देंगे आर के बाद, आर के बाद एस और टी छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, यू, ठीक है। अब ऐसे ही चल रहा था, हमें कोई नहीं छोड़ा, एक छोड़ा बीच में, दो छोड़े, अब तीन छोड़ देंगे, एस के बाद टी यू और वी छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, डब्लू, ठीक है। इसी तरह से अब चार छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी के बाद यू V, W, X तक छोड़ देंगे, तो क्या जाएगा, बाई, ठीक है। जैसे यहां पर था वैसे ही हमने नीचे किया, तो क्या आ गया हमारा कोड, क्यू एस यू डब्ल्यू बाई, ठीक है। अगला ऐसे ही दे रखा है, अगर फादर को उसने क्या लिखा है, R E H T A F, तो पूछा है उसने टीचर को क्या लिखा जाएगा, तो हमारे माइंड में पहले आना चाहिए कि इसने ये कैसे लिखा है। तो हमने क्या देखा, F जो सबसे पहले था वो सबसे बाद में ले आया, इसका मतलब जो सबसे बाद में था तो सबसे पहले, उसके बाद जो था वो उसके बाद, और उसके बाद जो था वो उसके बाद लिखता चला गया। इसका मतलब हमें पीछे से शुरुआत कर देनी है लिखने की, आर लिखा पहले, फिर ई लिखा, फिर एच लिखा, फिर टी लिखा, फिर ए लिखा, फिर एफ लिख दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे, आर से शुरुआत कर देंगे, आर, फिर ई लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, मतलब उसने विपरीत करके लिख दिया, पलट के, तो वही लिख देंगे और वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ा इजीली, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप थ्री, और आगे चलते हैं हम अपने टाइप फोर पर। चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं टाइप फोर, और टाइप फोर में देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टाइप फोर का हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 20 को हमने लिखा है 86, 39, 85, 11 को लिखा है 32, 30, 39, और उसके बाद 12 को पूछा हुआ है क्या लिखा जाएगा। तो ऐसा लग रहा है ये काउंटिंग में है, कुछ नया लॉजिक लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इस तरीके के क्वेश्चन मिले हैं आपको कि इसमें और इसमें कोई सेम वर्ड प्रयोग हुआ हो, जैसे हमने क्या देखा, टी इसमें, इसमें नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ई पर पहुंचे, ई इसमें भी और ई इसमें भी है। अब ई की पोजीशन देख लेते हैं, दोनों जगह क्या सेम है। हमने देखा ई की पोजीशन थर्ड नंबर पर तीन आ रहा है, यहां पर भी पहले ही नंबर पर ई था तो तीन आ गया, फिर देखा सेकंड लास्ट फिर से आ गया, इधर भी तीन और ये भी तीन, तो हम समझ गए कि अक्षरों को कोडिंग दी गई है, वही उसका आंसर होगा। मतलब अगली बार भी उसने क्या किया, 12 दिया। अब 12 के लिए हमें टी की कोडिंग चाहिए, तो टी की कोडिंग पहले में क्या थी, 8, तो 8 हो जाएगा टी के लिए मान। W का चाहिए सेकंड नंबर का 6, तो W के लिए क्या हो जाएगा, 6। E के लिए हम निकाल चुके कितना, 3। अब L की बात आ गई, तो यहां L के लिए कितना नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे 2 है, तो L का कितना हो जाएगा, 2। V कहां है, यहां पे V ये रहा, और V सेकंड लास्ट पीछे से तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, V का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 0, तो V की जगह कितना आ जाएगा, 0। E फिर से आ गया, और E का मान 3 था तो 3 लिख दिया जाएगा, तो 86, 32, 0, 3 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। जैसे कोडिंग दे रखी हो और एक जैसा टर्म अगर यूज हुआ है दोनों में और दोनों के लिए मान बराबर आ रहा है, समझ जाओ कि एक कोडिंग दी गई है नंबरों के द्वारा अक्षरों को, ठीक है। ऐसे उसने क्या किया है, अगला यदि लॉवर को कुछ लिखा है, KBAPTS लिखा है, तो कैंडिड को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि उसने किया क्या है। तो एल के बाद हमने देखा, एल के बाद तो के नहीं आता, के बाद एल आता है, उल्टा चला है। फिर ए के बाद क्या आ गया, बी, तो इधर सीधा चल गया, पहले उल्टा फिर सीधा।
फिर देखते हैं क्या, फिर से क्या किया उसने, उल्टा चला बी के बाद ए, और फिर से क्या चला सीधा ओ के बाद पी, मतलब पहले उल्टा फिर सीधा, पहले पीछे जाता है फिर आगे, पहले फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे फिर आगे। इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पीछे से, क्योंकि एल के पहले के होता है तो पीछे पहले वाला लिखा गया। ऐसे ही सी से पहले क्या होगा, पहले तो बी हो जाएगा, फिर ए के बाद क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब एन से पहले क्या होगा, क्योंकि पहले बाद, फिर एन से पहले, एन से पहले एम होगा, और डी के बाद क्या होगा ई होगा, और आई के पहले क्या होगा एच, ठीक है, और डी के बाद क्या होगा ई होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी बी एम ई एच ई, मतलब जिस तरीके से ये रिलेट है उसी तरीके से दूसरा भी रिलेट होगा। ऐसे अगला दिया है, ब्रीक को 51342 लिखा, फिर हमने ब्रीक में देखा के आया है और के यहाँ भी आया है, तो यहाँ पर के का मान 2 है और के का मान यहाँ भी 2 है, हम समझ गए हो देखे कि इसका मतलब इसने अक्षरों को कोडिंग दी गई है, और अक्षरों को कोडिंग दी है तो हम आराम से अगली जो मेन क्वेश्चंस का जो पूछा हुआ है आरआईबी का, तो उसमें भी हम कोडिंग यूज कर लेंगे। तो हमें आर ढूंढना है और आर का कोडिंग क्या है, तो आर दूसरे नंबर पर थी तो दूसरे नंबर पर यहाँ कोडिंग है 1, तो आर की जगह आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। उसके बाद आई, आई ढूंढना था तो आई हमें के आई में मिल गया, तो दूसरे नंबर पर भी आई था तो 7 आ जाएगा आई का, तो 1 और आर का 1 और आई का 7। अब रह गया बी, और बी का हमने क्या देखा 5 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो 175 मतलब 175 हो जाएगी इसकी कोडिंग। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन कैसे भी आते हैं, देखो कहा गया है पानी को हवा, हवा को तालाब, उसके बाद बोला गया तालाब को जहाज कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, मतलब उसने एक को दूसरा नाम दे दिया है, बदल दिया है। अब पक्षी वैसे उड़ते कहाँ हैं, एक तो आकाश में उड़ते हैं तो आकाश का प्रयोग हुआ नहीं है, दूसरा हवा में उड़ते हैं, हवा में ही तो उड़ते हैं पक्षी, तो अब हवा को क्या कहा जा रहा है उसमें उड़ेंगे, तो हमने यहाँ से देखा हवा को तालाब कहा जा रहा है, इसका मतलब अब हवा तालाब बन गई है, तो हम कहेंगे तालाब में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं मतलब तालाब में, क्योंकि हवा को हम क्या कहने लगे हैं तालाब। इसी तरीके से यदि लाल को हरा, हरे को नारंगी, नारंगी को सफ़ेद, और सफ़ेद को गुलाबी एवं गुलाबी को पीला कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होगा, अब हमें पता चलेगा कि दूध के रंग को हम कैसा रंग देंगे, अगर दूध का रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेद को हमने कौन सी कोडिंग दी है, ठीक है। तो सफ़ेद को हमने यहाँ बोला है, सफ़ेद को गुलाबी, देखो सफ़ेद को गुलाबी कहा जा रहा है, तो दूध का रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेद को गुलाबी कह दिया गया, तो इसका मतलब अब जो दूध का रंग होगा कैसा होगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, यदि कुर्सी को मकान, मकान को मंदिर, मंदिर को गुफा तथा गुफा को नल कहा जाए तो शेर कहाँ रहेगा, अब देखो शेर रहता कहाँ है गुफा में, और गुफा को हम क्या कहने लगे हैं, गुफा को हम कहने लगे हैं क्या नल, इसका मतलब अब शेर कहाँ रहेगा नल में, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो इजीली बन जाते हैं पढ़ते ही पढ़ते, ठीक है। तो हमने टाइप 4 तक अपनी प्रैक्टिस कर ली है, टाइप 5 पर आपको लेके चलते हैं, बहुत ही ईजी है, एक टाइप और कर लेते हैं इस वीडियो में, टाइप 5 अपना टाइप 5 सॉल्व करते हैं। टाइप 5 में क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए टाइप 5 में हमने लगे हुए हैं, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, मतलब बाएं से 8वां अक्षर निकालना है और उसके फिर दाएं कौन सा अक्षर होगा, तो हम बाएं से चलते हैं और कहाँ पहुँच गए 8वें अक्षर के, अब बायां से लेफ्ट से आए थे हम और दाएं ही और जाना है अभी कितना 7, यानी 7वां अक्षर पूछा है दाएं से, तो 8 के बाद 7 पोजीशन और चलेंगे तो कौन से स्थान पर पहुंच जाएंगे 15वें स्थान पर, मतलब उसने कहा बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा होगा, तो हम बाएं से 8 चल के आए तो इसके दाएं और आगे जाने के लिए उसने पूछा था 7वां, तो जो पोजीशंस हो गई उनको हम जोड़ देंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और 15वां स्थान मिल जाएगा हमें, तो 15वें स्थान पर हमारा अक्षर कौन सा आ जाएगा फिर ओ, तो ओ को हमने 15 पोजीशन दी थी, तो इस तरह से हमारी जो अंग्रेजी वर्ड वाला उसकी बात चल रही है, तो बाएं से 8वें अक्षर था तो हम बाएं के 8 पहुंच गए, काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8वां हो गया, और उसके बाद 7 दाएं उसके आगे और जाना था तो हमने 7 और जोड़ दिए तो 8 और 7 15 चल गए, और 15वीं पोजीशन किसकी होती है ओ की, तो हमें पता चल गया कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर जब निकालेंगे तो वो ओ आएगा, ठीक है। इसी तरह से दाएं से 13वां, अब हमने दाएं से इधर से लिया है कौन सा 13वां, के बाएं 5वां, अब देखो इसके बाएं फिर से 5 जाना है हमें किसके 13वें के, तो ये दाएं से 13वें के बाएं, अब बाएं तो इधर ही आएगा और 13 और 5 कितना हो जाएगा फिर 18 चल के आ जाएंगे, तो 18वां अक्षर जो आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर, तो 18वां अक्षर क्या होता है आर को हमने 8 बनाया था तो आर आ जाएगा 18वां, ठीक है। अब उसने कहा दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 3रा,
अब दाएं से आठवां निकाला और दाएं से आठवां के फिर दाएं तीसरा, अब हमने दाएं से आठवां निकाला, अब इसके दाएं से तीसरा जाएंगे तो इधर आठ तीन कम हो जाएंगे, तो ठीक है तो तीन कम हो जाएंगे तो दाएं से कौन सा आ जाएगा पांचवां। जो दाएं से पांचवां है अब वो हमें बाएं से निकालना है, तो हम करते क्या थे 27 से घटा देते थे, 27 से क्या कर देंगे जो पोजीशन दे रखी है उसको घटा देंगे, तो 27 माइनस 5 जो निकला था वो कितना आ जाएगा 27 में तो 5 जाएगा तो आ जाएगा 22 यानी 22वां। सॉरी मुझे लगता है इसका जो पहला वाला था वो नहीं दिखेगा, दोबारा से देख लेते हैं। दाएं से आठवें के दाएं तीसरा, ठीक है तो दाएं से आठवां यानी हमने यहां से शुरू किया और यहां पर दाएं आठवां आया, फिर उसने कहा इसके दाएं तीसरा तो दाएं जाएंगे इसके एक दो तीसरा यानी यहाँ पे आएंगे, तो इसका मतलब ये तीन पोजीशन कम हो जाएंगे आठ से तो क्या हो जाएगी इतनी पांच। अब ये दाएं से कौन सा हो गया पांचवा, अब दाएं से पांचवा हमें नहीं पता है अगर तो हम क्या करें बाएं से निकालने, क्योंकि हमने पोजीशन याद कर रखी है बाएं से, तो बाएं से निकालने के लिए 27 में से दाएं की पोजीशन घटा दो, तो 27 हमारा था और दाएं की पोजीशन 5 आ गई थी, तो 27 में से 5 कट जाएगा 22 आ जाएगा और 22 के स्थान पर क्या होता है वी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा फिर वी आ जाएगा क्योंकि 22 को हम क्या लिखते हैं वी। ठीक है ऐसे ही आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाकई में, आपको रीजनिंग के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हैं। देखो बाएं से नौवें तथा दाएं से बारहवें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा होगा, मतलब उसने बाएं से नौ ले लिए और दाएं से बारह ले लिए, तो इसका मतलब उसने बारह और आठ बीस और एक इक्कीस, मतलब बारह और नौ इक्कीस हो गए, तो इक्कीस अक्षर तो वो ले चुका है उसके मध्य में रखेगा ना कुछ अक्षरों को, तो इक्कीस जब ले चुका है तो मध्य में रखने के लिए बचे तो पांच ही है ना, टोटल 26 होते हैं, तो हमने क्या किया इधर 9 ले लिए और इधर 12 ले लिए, इसके बीच में और अक्षर होंगे अभी, ठीक है तो अब 9 और 12 हमने देखे 21 तो ले लिए उसने, 21 ले लिए तो इसके मतलब 5 बीच में बचे हैं, अगर 5 बचे हैं तो दो अक्षर इधर होंगे दो इधर होंगे और एक बीच में होगा 5 में से, तो बीच का ही तो पूछा हुआ था इसमें, तो बीच का निकालने के लिए ये 9 तो हो गए, 9वां के बाद 10वां ये 11वां ये तो 12वां आ जाएगा यहाँ पे, तो 12वां अक्षर कौन सा होता है हमारा एल। तो हमारे वर्णमाला में अगर बाएं से नौवें और दाएं से बारहवें अक्षर को लेने के बाद बचे अक्षरों के बीच का पूछा हुआ था तो जो बीच का निकलेगा वो क्या आ जाएगा एल। ठीक है तो बारहवां अक्षर निकलेगा। अगला बाएं से सातवां, ठीक है इसका मतलब इसने बाएं से सात ले लिए हैं और दाएं से आठ ले लिए, यानी कि उसने आठ और सात टोटल कितने ले लिए 15 का यूज कर लिया और टोटल कितने होते हैं 27, तो 15 जब इसे चला जाएंगे जब तो हमारे पास कितने बचेंगे 12, इसका मतलब सॉरी 8 7 15 26 होते हैं ना टोटल वर्ड, 26 में से 15 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे 11। ठीक है अब 11 अक्षर बच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके बीच का अगर निकालेंगे तो 5 इधर छोड़ने पड़ेंगे और 5 इधर छोड़ने पड़ेंगे और इसके बीच में जो होगा वो हमारा अक्षर आ जाएगा, तो 7 तक तो ले लिया था 5 और ले लेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 7वीं पोजीशन 5 की 5 12वीं पोजीशन, तो ये अगली पोजीशन जो आएगी वो 13वीं आ जाएगी और 13 हमने किसका निकाला था M को उल्टा करके 13 बना दिया था, तो मिड का अक्षर कौन सा आ जाएगा M आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिवाइज कर लेना और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे कि दूसरों को भी प्रॉफिट हो सके। जय हिंद।